Students, welcome to St. S.R.S. Public Higher Secondary School. Today we are going to study the questions and answers of the portrait of a lady, chapter 1 of class 11th, subject English of Hornbill. So, students, the first question is mention the three phases of the author's relationship with the grandmother before. he left the country to study abroad. तो बच्चों किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से जब तक नहीं समझेंगे तो उसके आंसर्स को भी समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसको याद करना तो खैर दूर की बात है तो जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ऑथर जब विदेश जाने वाले थे तो उससे पूर्व जो उनका संबंध था दादी माँ के साथ वो तीन फेजेज में था आप उन तीन फेजेज को एक्सप्लेन कीजिए उन तीन अवस्थाओं को एक्सप्लेन कीजिए तो आंसर्स तीन फेजेज में हैं तो कहा गया है कि द थ्री फेजेज आर उसमें जो पहला फेज है वो है चाइल्डहुड जिसका अर्थ होता है बचपन उसमें कहा जा रहा है व्हेन ही लिव्ड इन द विलेज एंड हिज ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम To get ready for school and went to school with him. तो जो पहली अवस्था है उसमें ग्रैंड मदर के साथ वो गांव में रहते थे और उनकी दादी माँ जो है उनको क्या करती थी मदद करती थी तैयार होने में ताकि वो स्कूल जा पाए उनके साथ एंड वेंट टू स्कूल विथ हिम और यही नहीं वो साथ में उनके स्कूल भी जाया करती थी बोथ शेयरड अ गुड रिलेशनशिप टुगेदर ये दोनों सिर्फ स्कूल ही नहीं जाया करते थे साथ में जबकि बल्कि इनका जो आपसी तालमेल था आपसी रिलेशन था वो बहुत ही शानदार था बहुत ही अच्छा था एक्ंड बॉयहुड वेन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर मूव टू द सिटी टू लिव विद हिज पेरेंट्स दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप बिकॉज दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर तो जो सेकंड अवस्था थी वो था बॉयहुड जब वो थोड़े बड़े हो गए थे अब वो क्या है ऑथर जो हैं ग्रैंड मदर के साथ शहर में चले गए थे अपने माता पिता के साथ रहने के लिए और यहाँ पर जो है उनके जीवन का उनके रिलेशनशिप का कहा गया है कि एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि अब वो एक दूसरे को बहुत कम देख पा रहे थे थर्ड फेज़ है अर्ली यूथ यानी युवा हो रहे थे जब ऑथर उस समय की बात है वेन ही ज्वाइंट यूनिवर्सिटी एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज का अर्थ होता है छिन जाना। जब ऑथर युवा हुए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उनको पढ़ने के लिए एक कम अलग कमरा दिया गया जिसकी वजह से क्या हुआ अब दादी माँ के साथ जो उन, वो एक साथ रहा करते थे तो वो एक लिंक भी जो था वो भी टूट गया था वो भी छिन गया था सो स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन है मेन्शन थ्री रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल क्वेश्चन का अर्थ है कि आप उन तीन कारणों को बताइए जिस वजह से ऑथर की दादी माँ डिस्टर्ब रहने लगी थी जब ऑथर सिटी स्कूल में जाने लगे थे आंसर है फर्स्ट पॉइंट शी कुड नॉट हेल्प हिम बिथ हिज लेसन्स इन इंग्लिश और साइंस जो दादी माँ थी वो ऑथर को उनके लेसन्स सीखने में मदद नहीं कर पाती थी क्योंकि वो लेसन्स इंग्लिश होते थे या साइंस के होते थे शी डिड नॉट बिलीव इन दैम और दादी माँ को उन सब्जेक्ट्स पर विश्वास भी नहीं था सेकेंड पॉइंट शी वॉज पेंड टू नो दैट देर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स देयर इस बात को सुनकर काफ़ी दर्द होता था उनको कि स्कूल में जो इंग्लिश स्कूल में उप सिटी स्कूल में पढ़ने जाते थे वो उस स्कूल में भगवान के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता और धार्मिक पुस्तकों के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ाया जाता है थर्ड पॉइंट शी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूज़िक लेसन्स शी कंसिडर्ड म्यूजिक सुटेबली ओनली फॉर प्रॉस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स तो वो इस आइडिया से भी काफ़ी नाखुश थी कि स्कूल में म्यूजिक लेसन्स दिया जाता है उनके हिसाब से म्यूजिक प्रॉस्टिट्यूट्स और बेगर्स का काम है सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है वह है मैंशन थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही क्री अप आप उन तीन तरीकों को बताइए उन तीन तरीकों का वर्णन कीजिए जिसमें कि की ऑथर की दादी माँ जब ऑथर बड़े हो गए थे तो अपना समय व्यतीत करती थी। तो आंसर है द ऑथर्स ग्रैंड मदर इज़ स्पेंट हर डेज बाय स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर एंड फीडिंग स्पैरोज ऑथर की दादी माँ जब ऑथर बड़े हो गए तो अपना समय व्हील स्पिनिंग व्हील ये जो व्हील है ये चरखा चलाकर रिसाइटिंग प्रेयर यानी प्रार्थना करके और स्पैरोज़ को खाना खिला करके बिताया करती थी क्वेश्चन नंबर फोर द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव विथ जस्ट बिफोर शी डाइड दादी माँ की जब डेथ हुई तो उस डेथ से ठीक पहले जो उन्होंने बिहेवियर किया था उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही अजीब था तो उस व्यवहार को मेंशन करने के लिए उस बिहेवियर को मेंशन करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है सो स्टूडेंट्स दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो आइए इसको समझते हैं सो so, यहाँ जो ऑड वे है उनको अलग अलग लाइंस में समझाया गया है जो पहली लाइन है वो कहती है द ग्रैंड मदर टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वॉज नियर ग्रैंड मदर ने मरने से पहले अपने फैमिली को बताया था कि उसका उनका अंत जो है अब करीब आ गया है शी हैड ओमिटेड टू प्रे शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस दादी माँ मरने से एक दिन पहले जब ऑथर आए थे तो उन्होंने प्रेयर करना वो भूल गई थी तो आज वो कोई भी समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी एंड शीले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स तो जो माला के मोती होते हैं उसको मूव करते हुए उससे बातें करते हुए वो प्रार्थना भगवान की प्रार्थना करने में लग गई थी और बेड पर लेट गई थी क्वेश्चन नंबर फाइव मैंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो वेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें कहा गया है कि उन तरीकों का वर्णन कीजिए जिस तरीके से जो स्पैरोज हैं उन्होंने दादी माँ की डेथ के बाद ऑथर की जो दादी माँ थी उनके डेथ के बाद अपने सौरों को यानी अपने दुख को एक्सप्रेस किया था इसका आंसर है थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर इन मॉर्निंग मॉर्निंग का मतलब होता है दुख में सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर कहते हजारों स्पैरोज स्कैटर्ड यानी फैल गए थे फ्लोर पर दुख मना रहे थे डेड बॉडी के चारों ओर फैलकर ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर देयर वॉज नो चरपिंग आज उनके चहचहाने की कोई आवाज नहीं थी चरपिंग मीन्स चहचहाना ऑथर्स मदर थ्रू सम पीसेस ऑफ ब्रेड बट दे डिड नॉट ईट दैम ऑथर की माँ ने हालांकि ठीक दादी माँ की तरह ही ब्रेड के कुछ टुकड़ों को तोड़ करके उनके आसपास फैला दिया था लेकिन उन स्पैरोज ने उनको नहीं खाया वन द कॉप्स वॉज़ कैरीड ऑफ़ कॉप्स मीन्स लाश होता है कैरीड ऑफ मीन्स ले जाना तो जब लाश को ले जाया जा रहा था दे फ्लू अवे क्वाइटली तो वे चुपचाप से उड़ गए अब हम देखेंगे टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज क्वेश्चन वन है इसमें विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज वाइल टॉकिंग टू ईच अदर वो कौन सी भाषा थी जिसमें दादी माँ और लेखक आपस में बात किया करते थे द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज नॉट मच एजुकेटेड सो आई थिंक द ऑथर एंड इज़ ग्रैंड मदर यूज़ टू टॉक इन देयर मदर टंग इन दिस केस पंजाबी तो आंसर है कि ऑथर की दादी माँ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी सो so, मुझे ऐसा लगता है कि ऑथर और उनकी दादी माँ अपनी मातृभाषा में बात किया करते थे इस केस में वो भाषा पंजाबी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर टू है विच लैंग्वेज डू यू यूज़ टू टॉक एल्डरली रिलेटिव्स In your family, आप अपने बड़े बुजुर्गों से अपने परिवार में कौनसी भाषा में बात करते हैं? My family members are well versed in Hindi and little in English. I greet them in English, but like to converse in Hindi. So answer है कि मेरे परिवार वाले हिंदी और थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छे से समझ लेते हैं मैं उनसे कभी कभार इंग्लिश में ग्रीट करता हूँ यानी अभिवादन करता हूँ बट लेकिन क्या है कि मैं उनसे हिंदी में ही बातचीत करता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर है हाउ डू यू से अ डायलेपिडेटेड ड्रम इन योर लैंग्वेज डायलापिडेटेड ड्रम को आप अपनी भाषा में क्या कहेंगे डायलापिडेटेड का अर्थ होता है जीर्ण शीर्ण अवस्था में यानी टूटी फूटी अवस्था में जो होता है ड्रम उसको हम लोग डायलापिडेटेड कहते हैं सो स्टूडेंट्स आंसर है आई वुड से फटा पुराना ढोल इन माय लैंग्वेज मैं अपनी भाषा में से फटा पुराना ढोल कहूँगा क्वेश्चन नंबर फोर है कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होम कमिंग क्या आप कोई ऐसा पोएम सोच सकते हैं या गाना सोच सकते हैं अपनी भाषा में जो होम कमिंग के बारे में बताती हो यानी घर आने के बारे में बताती हो आंसर देयर आर मेनी फॉक सॉन्ग्स एंड पोएम्स सिंगिंग ऑफ द एक्सप्लोइट्स ऑफ द वॉरियर्स बहुत सारे लोकगीत हैं और पोएम्स हैं जो कि वॉरियर के एक्सप्लॉयट्स यानी वॉरियर के लौट के आने की खुशी में गाए जाते हैं सो so, स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा जो भी आज का लेसन था क्वेश्चन आंसर का वो आज समाप्त होता है उम्मीद है आप सब बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे